सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को छठ व्रत का हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। भगवान भास्कर के श्री चरणों में आज जो अर्घ आप लोग अर्पित करेंगे, उससे एक मेरा हाथ जोड़ करके आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर भगवान से ये कहेंगे कि हमारे समाज के कुछ लोगों को, जिन्हें लगता है कि मैं समाज का ठेकेदार हूं, जिन्हें लगता है कि मैं समाज में दबंग हूं, जिन्हें लगता है कि समाज में जो कुछ भी मैं चाहूंगा वो कर लूंगा, उन्हें कम से कम सद्बुद्धि दे। जी हां, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि दरभंगा जिले से एक खबर आई है जो कि आधारपुर गांव से है। उसमें ये बताया जा रहा है, वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक वीडियो है, उस वीडियो में एक महिला को कुछ लोग बाई फोर्सली, जिसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल देखी जा सकती है और उसे लगभग 60-65 साल के आसपास के बुजुर्ग से बाई जबरदस्ती, बाई फोर्सली उसकी विवाह कराई जा रही है भीड़ के द्वारा। भीड़ में कई लोग शामिल हैं और महिला चुपचाप इन पुरुषों के पुरुषत्व को देख रही है। इन पुरुषों के पुरुषत्व और सामाजिक मर्यादा को सहन कर रही है। क्या यही है महिला सशक्तिकरण का रिजल्ट? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? जब हमने उस वीडियो की जांच करवाई और पता किया कि मामला क्या है, तो पता चला कि उस महिला के बेटे ने उसी गांव में किसी और लड़की के साथ उसका प्रेम विवाह उसने कर लिया था। बस क्या था, लड़की पक्ष वालों के द्वारा उस लड़के के, जिसने प्रेम विवाह किया था, उसकी मां को ही उठा लिया गया। जी हां, ये सुशासन की सरकार की, ये अभी अभी जस्ट जो नई न्यू सुशासन आप कह लीजिए, उनकी सरकार की ये घटना है। और लॉ एंड ऑर्डर क्या है, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मंत्रिमंडल कैसे डगमग डगमग नैया कर रही है नीतीश कुमार जी की। खैर, वो अलग का बात है। अब आप आइए मुद्दे पर। जिस लड़के ने प्यार किया, उस लड़की की वो वीडियो में जो बैठी हुई माँ, उसकी महिला जो है वो उसकी माँ है, और उसकी माँ से उसी गांव के एक दलित लोगों से उसकी शादी करा दी गई और वो भी जबरदस्ती उसके हाथ पकड़े गए, उसके वदन को पकड़ा गया, उसके बॉडी को छुआ गया और न जाने क्या क्या किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले उस महिला को नंगा घुमाया भी गया, हालांकि इस संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई प्यार किया, प्रेम किया और उसने शादी कर ली, चूंकि कोर्ट भी अब उसको बालिक मानता है, अगर वो नाबालिग है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोनों बालिक हैं तो फिर उनको अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक भी है। ये समझना पड़ेगा उन समाज के ठेकेदारों को जो खुद को दबंग कहते हैं, पैसे के बल पे समाज के लोगों को समान नहीं मान करके उन्हें असमानता का दर्जा दिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि मैं रसूखदार हूं, आवाज नहीं उठाना वरना जुबान खींच ली जाएगी। कहां जा रहा है ये बिहार और ये बिहार का सभ्य समाज? आज उसी समाज के द्वारा भगवान सूर्य का अर्घ भी दिया जाएगा जो सृष्टि के प्रणेता हैं। बगैर सूर्य के ना तो आपकी फसलें हो सकती है, ना आप में ऊर्जा आ सकती है, ना ही आप कोई काम कर सकेंगे। उन भगवान भास्कर से भी मैं कहता हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदारों के लिए आपके यहां जगह नहीं, ऐसे अन्यायी लोगों के लिए आपके यहां जगह नहीं। निश्चित तौर पे सरकार, प्रशासन, अदालत से तो आप बच जाएंगे, लेकिन भगवान के घर आप नहीं बच सकते। इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि वहां पे फैसला होता है, अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप बने रहिए बीटी न्यूज के साथ और देखिए ये वीडियो और अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। साथ ही
इस महिला के न्याय के लिए आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि इसे इतना शेयर कीजिए कि सुशासन बाबू तक पहुंच जाए। हाथ पकड़ आ वीडियो बना के छोड़ा के ऊपर भेज दे, हाथ पकड़ छोड़ा के व्हाट्सएप पकड़।